खरगोन बोर्ड परीक्षा के लिए गोपनीय सामग्री का वितरण शुक्रवार को उत्कृष्ट स्कूल परिसर में किया गया। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा 1 मार्च से शुरू होगी। परीक्षा के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। कड़ी सुरक्षा के बीच केंद्रों के प्राचार्यों और केंद्र प्रभारियों को गोपनीय सामग्री का वितरण किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी हेमेंद्र वर्णेकर ने बताया, परीक्षा 97 केंद्रों पर होगी, जिसमें 86,569 बच्चे बैठेंगे। सभी स्कूलों के केंद्राध्यक्षों को अपनी देखरेख में प्रश्न पत्रों का वितरण किया। इसके बाद केंद्राध्यक्षों ने अपनी सहयोगी शिक्षकों के साथ बंडलों का मिलान किया। गोपनीय सामग्री को संबंधित क्षेत्र के थानों में कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचाने के लिए पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। जिले में यहां पर कलेक्टर महोदय के प्रतिनिधि के रूप में मुझे नियुक्त किया गया है, तो यहां पर गोपनीय सामग्री एग्जाम्स की आज वितरण की जा रही है। कुल हमारे जिले में 97 केंद्र निर्धारित किए गए हैं, तो सभी केंद्रों की सामग्री आज यहीं से वितरण हो रही है उत्कृष्ट विद्यालय से। बैठक भी लिया आपने, कितना के निर्देश दिया? बैठक ली गई है, सभी को बेसिक निर्देश दिए गए कि हमारी जो एग्जाम्स, आगामी एग्जाम्स निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, वहाँ पर बच्चों को भी किसी तरह की समस्या ना आए, ना ही हमारे केंद्राध्यक्ष या सहायक केंद्राध्यक्ष को दिक्कत आए। एग्जाम्स को पारदर्शी रूप से कराए जाए और अच्छे से स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग में हो एग्जाम। कुछ केंद्रों को नकल संबंधित संवेदनशील में माना जाता है, कुछ चिन्हित किए गए हैं जी? कुछ केंद्र चिन्हित है, संख्या 7-8 है लगभग केंद्रों की, तो उन केंद्रों पे विशेष दल बनाए गए हैं, जो वहाँ पर हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स टाइप के दल रहेंगे, जो उन केंद्रों का निरीक्षण करते रहेंगे कि कोई भी समस्या ना आए, और प्रेक्षक भी नियुक्त है, तो वो लोग भी जाकर केंद्रों की इंस्पेक्शन करते रहेंगे। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा खरगोन जिले में है, दिनांक 1 मार्च से आरंभ हो रही है, जिसकी गोपनीय सामग्री का वितरण आज किया जा रहा है 24 फरवरी को। खरगोन जिले में 97 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, इसमें HSS में 18,647 बच्चे बैठे हैं और हाई स्कूल में 19,922 स्टूडेंट बैठे हैं। गोपनीय सामग्री का वितरण सुरक्षा कर्मियों की मदद से बसों में किया जा रहा है, वो पुलिस थानों में गोपनीय सामग्री आज पहुंचा दी जाएगी और समय पर परीक्षा करने के इनको केंद्राध्यक्षों को निर्देश दे दिए गए हैं। श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेशों का भी इनको उल्लेख कर दिया गया है, इनको बता दिया गया है। कुछ संवेदनशील अति संवेदनशील केंद्र भी बनाए? 10 संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्र हैं, जिसमें सुरक्षा गार्ड उपस्थित रहेगी और वहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देशानुसार प्रेक्षक ऑब्जर्वर की नियुक्ति कर दी गई है। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम हेमेंद्र वडनेरकर है, जिला शिक्षा अधिकारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।